हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार फ्रॉम झारखंड। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान मधुनिया में फिर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चचका धाम का टूर कराने वाला हूं। मंदिर का सीन आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सारा मंदिर टू कैंपस सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ज़रा से स्किप मत कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से चचका धाम स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से अंदर थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है चचका धाम का, जो कि मिट चुका है पर फिर भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ। इस बोर्ड में लिखा हुआ है, चचका धाम पवित्र धर्म स्थल में आपका हार्दिक स्वागत है, चास बोकारो झारखंड। जो आप समाधि देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये बाबा जी लोग मंदिर के अंदर ही रहते थे, इसलिए उनका देहांत के बाद उनका समाधि भी मंदिर के प्रांगण में ही बनाया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस मंदिर में शादी विवाह भी कराया जाता है और गाड़ियों का पूजा भी किया जाता है। तो उससे संबंधित इस अपने लोगों ने जो बोर्ड देखा उसमें लिखा हुआ है कि विवाह के लिए वर पक्ष 601 रुपया लिया जाता है, मतलब लड़के की ओर से 601 रुपया, और जो वधु पक्ष होते हैं, जो लड़की पार्टी होता है, उन लोगों से 301 रुपया लिया जाता है विवाह संपन्न कराने के लिए। और गाड़ियां भी पूजा किया जाता है, उसके लिए जो चार पहिया होता है उसको पूजा कराने के लिए 201 रुपया लिया जाता है, और दो पहिया पूजा कराने के लिए 101 रुपया लिया जाता है। उसके साथ ही लिखा हुआ है कि मनोकामना पूर्ण हेतु 101 रुपया और मंदिर परिसर में खाना बनाने पर 301 रुपया अलग से भुगतान करना है।
यहाँ पर विश्राम करने हेतु भी एक हॉल टाइप में बना हुआ है, जिसमें कुछ पंखे भी लगे हुए हैं और ऊपर में सोलर प्लेट भी है ताकि पंखा चल सके। तो जब भी यहाँ पर कोई विवाह संपन्न होता है तो जो भी लोग आते हैं तो वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। बाकी ये मंदिर का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है और काफी मंदिरें भी है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है और जो सबसे पुराना मंदिर है वो शिव मंदिर है, जो कि आप लोगों ने देख लिया वो सबसे पहला मंदिर है। उसके बाद पार्वती माता जी का मंदिर बनाया गया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग अपना पैसा दान करके कुछ मंदिर बनाया गया, लेकिन जो सबसे पहला मंदिर है वो ये आप जो देख रहे हैं शिव मंदिर है, ये सबसे पुराना मंदिर है और पहला मंदिर है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर लोग नहीं आए हैं, पर जब शादियों का सीजन चलता है उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, पूजा करने के लिए भी आते हैं और शादी वगैरह कराने के लिए भी आते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है। मुझे तो यहाँ पर घूम के मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चेचका धाम चेचका मंदिर के लोकेशन का अगर बात किया जाए तो बिजुलिया के पास में तलगड़िया स्टेशन रोड की ओर कुमरी पंचायत है, बिजुलिया के पास में, तो कुमरी पंचायत में ही यहां पर दामोदर नदी के जस्ट किनारे में ये चेचका मंदिर है। चेचका धाम में यहां पर मंदिर के अंदर घुसने के लिए दो गेट है, एक ये गेट है और एक दूसरा गेट जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख चुके हैं, जिधर से हम लोग अंदर घुसे थे वही दूसरा गेट है, दो गेट है जिधर से आप चाहें अंदर घुस सकते हैं। तो चेचका मंदिर में कौन सा मंदिर है, सारा मंदिर का मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया, क्या वहाँ का जो कैंपस है किस तरह का वो मैं दिखा दिया, जो मार्केट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को आज का चेचका धाम का मंदिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग भी यहाँ पर आइए घूमने के लिए, पूजा कीजिए, बहुत अच्छा जगह है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी, वीडियो बनाने के लिए भी और पूजा करने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल को जो भी नए अपडेट्स होगा वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।